टुडे वी विल डिस्कस रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द चैप्टर वन. द अर्थ लुक्स ब्लू फ्रॉम स्पेस. दिस इज बिकॉज मेजर पार्ट ऑफ इट इज कवर्ड विथ वाटर. दैट इज वाई द अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड ए ब्लू प्लैनेट. स्पेस से अर्थ को ब्लू लगता है, कारण इसका ज़्यादातर हिस्सा पानी से कवर है. इसी कारण अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है. द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट व्हिच हैव लाइफ सपोर्टिंग कंडीशन एयर एंड वाटर. अर्थ एक ऐसा एक प्लैनेट है जिसमें आदमी रह सकते हैं, कारण इसमें हवा और एयर एंड वाटर है. ऑल अदर प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम आर लाइफलेस. बाकी प्लैनेट में आदमी नहीं रह सकते. द अर्थ अपीयर्स फ्लैट टू अस बिकॉज इट इज़ वेरी बिग. अर्थ को फ्लैट इसलिए रखता है कारण बहुत बड़ा है. वी कैन सी ओनली ए स्मॉल पार्ट ऑफ इट एट ए टाइम. हम लोग उसको एक टाइम में सिर्फ एक छोटा हिस्सा को ही देख सकते हैं. द बिग साइज ऑफ द अर्थ मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर अस टू स्टडी एट ए होल. अर्थ बड़ा साइज होने के कारण इसका पूरा हिस्सा पढ़ने में डिफिकल्ट है. द सॉल्व दिस प्रॉब्लम पीपल हैव डेवलप मीन्स टू इम्पॉर्टेंट टूल्स दैट वी यूज फॉर दिस पर्पस आर ग्लोब एंड मैप. बोला इस डिफिकल्ट को आदमी ने सॉल्व किया इसके द्वारा दो इम्पॉर्टेंट टूल्स के द्वारा, जैसे ग्लोब एंड मैप. तो इन दिस लेसन वी विल स्टडी अबाउट ग्लोब. इस लेसन में हम ग्लोब के बारे में पढ़ेंगे. द ग्लोब इज ए स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ. ग्लोब अर्थ का एक स्मॉल मॉडल है. द ग्लोब इज नॉट फिक्स्ड. इट कैन रोटेट द सेम वे एज ए टॉप स्पिन्स और ए पोटर व्हील इज रोटेट. ग्लोब जो है फिक्स, उसका एक फिक्स्ड नहीं है. वो अपना सेम वे में वो लट्टू की तरह या पोटर के व्हील के तरह वो घूमते रहता. ऑन द ग्लोब कंट्रीज कॉन्टिनेंट एंड ओशियंस आर सो इन दे आर करेक्ट साइज. ग्लोब के द्वारा हम लोग कंट्री कॉन्टिनेंट और ओशियन का सही साइज को देख सकते हैं. इट इज़ डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ ए पॉइंट ऑन ए राउंड सरफेस लाइक द अर्थ. इसका राउंड शेप होने के कारण इसका लोकेशन को पॉइंट करने दिक्कत होता है. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस टू हाउ टू लोकेट ए प्लेस ऑन इट. अभी क्वेश्चन आता है कि इसका लोकेशन को हम लोग कैसे बताएंगे, इसका प्लेस को कैसे बताएंगे. वी नीड सर्टेन पॉइंट ऑफ रेफरेंस एंड लाइंस टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ प्लेसेस. हम लोग कुछ पॉइंट या कोई कुछ लाइन के द्वारा इसको लोकेशन को बता सकते हैं. आज आप लोग को इतना दूर पढ़ा दिए, फिर नेक्स्ट दिन फिर पढ़ाएंगे. थैंक यू.